सत्यम शिवम काम पे आया है? अबे खुद देख लेना। ये से भाग क्यों रही है बे? डीजीपी को चाय पानी नहीं दिया होगा तो आओने बका। डीजीपी के सामने फिसल मत जाइयो, हम एमएलए के लौंडे हैं, तड़ी में रहियो बे। और 10 लाख रुपए का धंधा दिया है डीजीपी को। अच्छा हुआ बता दिया, देख कैसे डांडिया खेलता। ढोल बजाऊंगा। देख रही है घर है के सोसाइटी? इस घर को रेती सीमेंट से बनाने के बाद रिश्वत का चूना मारा। हेलो मिस्टर सत्यम, क्या हाल है? जय श्री कृष्ण काका। इतने सारे मेडल मिले की खरीदे? बावले खरीदते नहीं है, मांग के ले आते हैं। मेरे को लगाई। क्या बोला? जस्ट जोकिंग। हो कौन हो तुम लोग? अरे बका, बैठ के बात करते ना। हाँ तो अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तुम लोगों ने। हम एमएलए पठानी सूट के खास लोग हैं, समझ लो मैं उसकी उंगलियां और ये बीच की उंगली। अब खबर तो मिली होगी, एमएलए अस्पताल में कोमा में। और एक लड़की को नौकरी दिलाने के लिए आपको 10 लाख रुपए दिए गए, ये भी मुझे पता है। मुद्दे की बात ये है चीचा, उस लड़की को इस इलाके की चौकी पे काम लगवा दो। क्यों? अरे क्या क्यों क्या, कैसे सवाल पूछता है? आई डोंट लाइक इट। रिश्वत का गंगा जल छिड़क दिया ना तो चुपचाप काम करने का। अरे जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, प्यार के फूल कैसे खिलेंगे? मेरे बोल बच्चन से डर रहा है और डराता हूँ। वैसे बका की जो बकी है उसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बका को प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर याद आया, डीजीपी टकलू और इसके पप्पा तो बचपन में उस गटर के पास गोटी खेलते थे, याद है? क्या दिन थे वो। अच्छा चीचा, कल टाइम है तुम्हारे पास? वो क्या है ना चाचा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर दिया कि कल मैं उसको तुमसे मिलवाऊंगा। आ मत कर भाई, कल सुबह हॉस्पिटल में एमएलए को मिलने एक फूल का गमला और नारियल लेके पहुंच जाना। पिकअप ड्रॉप स्कूटी पे करवा दूंगा और रस्ते में ढाबा है वहीं पे लंच कर लेना। बस इतना और कुछ नहीं। इसका पेट बहुत बड़ा है, खाली सेव और गाठिया मंगा ले। नहीं समझा? अरे भाई गला गीला करने का सामान पे चल के करें। क्यों? ऊपर धूप होगी बे। शराब तो तुम लोग ले आए हो, शबाब में कुछ नहीं लोगे? आ लूंगा, लेकिन मैं रशियन का शौकीन हूँ और मैं चाइनीज। तो आ जाओ, अब करेंगे जल्द सो। ए भाई थोड़ा कैलोरी बर्न करो ने, उठाओ ने वजन। संभाल के बोतल पे खरोचना है, बाद में बेचनी है। ए भाई डीजीपी के साथ पीते हुए सेल्फी ले। अबे फेसबुक पे लाइव जाते। किस मनहूस मूरत में सदाशिवम के घर में कदम रखा, उसने मारा चार और गिना एक। रिश्वत आर से शुरू होती है, रा से वही भूल गया हूँ। पीठ पे ऐसा डिजाइन बनाया कि खुद ही नहीं देख सकते। अरे रंगोली से नफरत हो गई है भाई। आदमी होने के बावजूद भी बैकलेस ड्रेस पहना दिया। उसके पट्टों से ज्यादा उसके शब्दों की मार लगी जब उसने मुझसे पूछा, सीने के बाल में उंगली पिरो कर, पुष्पा का पति तू ही है ना? वो तो लागी गयो। एमएलए सत्यम शिवम से मिला नहीं, इसका मतलब पैसे उसने लिए ही नहीं। तो ये 10 लाख रुपए गए किधर बे? यहाँ मेरे तलाक के वांदे हो गए और तुझे 10 लाख रुपए की पड़ी है। केजी के बच्चे से लेके डीजीपी तक सब पुष्पा का गाना सुन चुके हैं, एक मैं ही उसकी धुन पे नाच नहीं पाया। अबे मैं तो जबान दे चुका हूँ कि सत्यम शिवम से मिला दूंगा, अब डीजीपी कहाँ से पैदा करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अबे कल्पेश उसके सामने सच की उल्टी कर दूँ क्या? तेरे गन्ने का रस निकाल देगी। देख क्या रहा है, ये जितना भी लोचा लबाचा हुआ है ना उसका जिम्मेदार तू है। अबे वो हॉस्पिटल आ रही है या तूने बोला था? शांति रखने, एक दूसरे की उंगली करके फायदा नहीं है। 10 लाख का बंदोबस्त कर या डीजीपी को लेकर आ। एक रायता तड़का मार के झींगा फ्राई लाऊं सब? अबे आ कौन छे? भाड़े का डीजीपी? आइए आइए। जैसे कृष्ण से। ओके ओके। अपनी माँ की कसम खा के एक बात सच्ची सच्ची बता मुझे, दबंग का आमिर लगता हूँ ना? अबे दबंग में तो शाहरुख था। एक अंदर की बात, बाहर निकालो। याद रहे अगर 2500 से एक फूटी कौड़ी भी कम कर दी ना तो डीजीपी के बजाय कांस्टेबल बन जाऊंगा। लेकिन इस भाड़े के कपड़े पे चाय पानी मत गिराना, नहीं तो 2500 में से 2000 काट के सिर्फ 500 रुपए। नहीं गिराऊंगा, मैं तो चाय ही नहीं पीऊंगा यार। सर 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 दे दो। अरे क्या कर रहे हो? 10 मिनट बाद तुम लोग अंदर आ जाना, ठीक है? रुक जा बे। आई ये कौन है? दिखाओ, लगता है भूतनी के। यही तो एमएलए है। अब ध्यान से बात सुन, लड़की को बोल देना कि उसकी नौकरी डिपार्टमेंट में पक्की हो गई है। अगर वेटर चाले किए ना। डोंट वरी, मैं अभी दबंग के कैरेक्टर में हूँ। बोलो क्या लाने का? वेटर ऑर्डर नहीं लेना है। ए लड़की, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। इधर मैंने नर्स का कोर्स किया है, पुलिस की जॉब कैसे करूँ? बस कर पगली रुलाएगी क्या? बेंजी आप बाहर जाइए। सामूहिक नौकरी बांट रही है। ओके सर। वो लड़की नहीं है क्या? मुझे क्या पता ऐसी गोची क्या गोची किया ना तो 2500 तुझसे लेंगे। पेन अरे तड़ी में सीधे पेन।
आओ, ये है खड़ा कानून और ये लेटी हुई राजनीति। ये सोनोग्राफी इसकी है? डीला स्कैन रिपोर्टिंग। ये एक्सरे सर, एक्सरे। रिपोर्ट से लगता है इनके पैर में मोच है। पैर में नहीं, ओब्लंगाटा में आई है मोच। ओब्लंगाटा, इसमें मेरा क्या खाता? सर इज वेरी फनी। वेरी इज फनी सर, इन्होंने 10 लाख दिए थे। नमस्ते सर। ये इनका पर्सनल। नमस्ते जी। प्रेम ने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफें उठाई, इतनी तकलीफें उठाई कि तकलीफ के वजन से खुद इसका वजन कम हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारी नौकरी पक्की अनुराधा। मेरा नाम अर्चना है सर। माने नाम में क्या रखना है अर्चना? नौकरी पक्की है। मुझे आप पर भरोसा है मलाई मार के। बड़ा महक रहे हो, कल क्या शकीला के साथ टकी लगी? वाह, डॉगी से भी तेज नाक है आप। 25 साल से ऑर्डर ले रहा हूँ। खुशबू पहचानता हूँ। वो क्या है, जज ऑर्डर ऑर्डर बोलता है ना, वो सब 25 साल से यही ले रहे हैं। ऐसे ही डीजी भी थोड़ी बन गए। सर अब जाने का वक्त आ गया। आपकी मीटिंग है, जाओ जाओ। नर्स, क्या काम है सर? ये कहाँ रखूँ? चलो ठीक है, मैं रख देता हूँ। ठीक है सर। सर मुझे अपना नंबर दो ना। मेरे पास फोन नहीं है, इसका नंबर ले लो। गाड़ी सीधे ढाबे पे ले। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोलते हैं पगली। एंगेजमेंट होने के बाद तो तुम और भी खूबसूरत लगने लगी हो। क्या सर, अच्छा मजाक कर लेते हैं। नर्स को घुट्टी पिला रहे, सेटिंग कर रहे। हेलो, क्या? हेलो, आवाज नीचे कर। एमएलए को एडमिट हुए 15 दिन हो गए, उसे टाका लगाने के बजाय तू नर्स को टाका लगा रहा है। कैसा डॉक्टर है तू? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान के हाथ में। पगार तू लेता है, काम भगवान करेगा? हर डॉक्टर बोलते सब ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसोन, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, एमएलए को होश में लेके आ। भले ही 499 करोड़ खर्च हो जाए, चलेगा। तू इतर मुख बंद हो रहा। 1 करोड़ तो बचेगा। छतर माता, अबे चुप कर। ए डॉक्टर, तू होम्योपैथी कर या आयुर्वेदिक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 10 दिन के अंदर फिट होके एमएलए असेंबली पहुंचना चाहिए। अगर वो असेंबली नहीं पहुंचा तो तू ऊपर पहुंचेगा। चल रे, तू लग जा अपने काम पे। कस्टमर धूप में खड़ा है, तू व्हाट्सएप फेर रही है। होली पर कपड़े दो तो ये दिवाली पर कपड़े देता है। और मैं पहले आया ना। बोले ने, अरे घासलेट की लाइन लगी है जो पहले लेगा। अरे क्यों उधम मचा रखी है, पुष्पा ने कुछ किया? अरे पुष्पा का तो दुनिया भर को पता है, ये तेरा मामला है, मुसीबत आने ही वाली है। अबे किधर आने वाली है? अरे आज पुलिस भर्ती कर तेरी ढाबे वाली बापू के साथ लिदल देखने गई है। रिजल्ट देखने गई है, पोल खुलने वाली है, जल्दी से दुकान बंद करके भागना पड़ेगा। नीचे करने भाई। अरे आ रहे हैं हम लोग। अच्छा चल। अरे नहीं मरेगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे शादी में जाना है, पहले मेरे कपड़े दो फिर जहाँ भागना है भागो। भागी तो रहा हूँ, 6 महीने में दे दूंगा। मैं क्या पहन के जाऊँ? चड्डी टी-शर्ट पहनने भाई। क्या मुंह लटका के बैठा है, गर्म हो रही है, पी ले। ए बका, इतना तो गुंडे लोग पुलिस से भी नहीं डरते। मामला ठंडा होने तक यहाँ पे दरिया किनारे ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। जैसे ही एमएलए को होश आएगा, उनसे 10 लाख लेके ढाबे वाली के मुंह पे मार देंगे। बात वो नहीं है बे, जब उसे रिजल्ट में नाम नहीं देखेगा तो क्या गुजरेगी बेचारी पे? आज ये नशा चढ़ने नहीं देगा। मेरे प्यार की पिपरी बच गई यार। बका, पता था तेरा मूड ऑफ होगा, इसलिए चीयर्स के साथ चीयर्स गर्ल्स भी है। क्या चीयर गर्ल्स? ये कल्पेश, ए नाचो ये डिस्को, ये हेलो हेलो, अर्चना आ रही है। उसने गूगल सर्च में डाला होगा बिगेस्ट फ्रॉड और हमको ढूंढ निकाला। ये पैसे बाद में देंगे, तुम जाओ दूसरी जगह नाचो ने। अबे यार बहुत गुस्से में लग रही है, मैं देर के भी नहीं भाग सकता, आज तुम मर ही गए हो। भारत माता की जय। डांस को ब्रेक क्यों किया? ये ब्रेक डांस है, ब्रेक कर करके ही करते, इसलिए। तो तुम लोग यहाँ पार्टी मना रहे हो, मेरी बेटी की जिंदगी में रायता फैला के लड्डू ठूस दूंगा मुंह में। अंकल, एमएलए साहब गए थे पर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो मारने से पहले कैसे मरी क्यों? लाठी के बजाय लाडू। पुलिस की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है और अपने शहर में मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब नौकरी मिल गई? तुमने मुझे नौकरी दिलाकर मुझ पर एहसान किया, थैंक यू। मेरी दुआ है कि तुम्हें अच्छी गर्लफ्रेंड मिले। गर्लफ्रेंड तो यही है ना, इसीलिए हम ब्रेक डांस कर रहे थे। डीजीपी ने सुबह ही हमें व्हाट्सएप कर दिया। सच्ची? हाँ, मुच्ची। चीयर्स गर्ल्स के स्पॉन्सर भी वही थे, खाया पिया नाचे जलसा किया, मजा आ गई। थैंक यू। अभिनंदन। बोलो सब इंस्पेक्टर अर्चना की जय।
अरे क्या हाथ लगाने के लिए थैंक यू बोलती रहती हो। खुश भी बधाई हो मैडम। थैंक यू बसंत। ये लीजिए कल्पेश। अबे अपने को तो पता ही नहीं है उसको नौकरी कैसे मिल गई। बका, कैसे मिली वो जरूरी नहीं है। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये जॉब तूने दिलवाई है तो लगने देने भाई। अबे लेकिन कभी पता चल गया तो? अरे ढीला, पता चलने से पहले उसके गले में मंगलसूत्र डाल देने, बच्चों का इतना लोड डाल दे कि सोच ही नहीं पावे। भाई तेरा हो गया, मेरा मैटर सॉल्व नहीं होगा। MLA तो कुंभकर्ण की तरह सोया है, पता नहीं होश में कब आएगा। पुष्पा नाम के कांटे को अर्चना से निकलवाऊंगा। हां निकलवा लियो। ये सब्जी मंडी रोड पे काहे को लगी है? ये रोड किसी के बाप का नहीं है, सरकार का है। मैडम ये लोग सुनने वाले नहीं है। पैडल गाड़ी रोक तो। आंटी क्या चल रहा है ये सब? अरे तू पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं इधर ही धंधा कर रही लिए। अब जो मैं बोल रही हूँ वो कान खोल के सुन। अगर कल से ये छपरी रोड पर दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब सूरज डूबने से पहले क्लीन हो जाना चाहिए। ले बेटा पास के होटल में जाके कुछ ठंडा वंडा पी ले। क्या? सोच मत, रख ले, कोई नहीं देख रहा। वो दुकान वाला ना वीडियो बनाता है, अभी नहीं है इसलिए दे रही हूँ। इसको भेजना, अगली बार दे देंगे। तुम पुलिस वाली को रिश्वत दे रही हो? पुलिस वालों के लिए रिश्वत कौन सी नई बात है? आपने भी तो अपनी जॉब के लिए 10 लाख दी है। क्या बोला भे? मैडम मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं। कॉलर छोड़ उसका, पुलिस वाली है तो क्या हुआ? तू रिश्वत दे के जॉब ले सकती है, हम रिश्वत दे के धंधा नहीं कर सकते। जा रे, दूसरे के गिरिबान में झांकने से पहले अपना देखने का। कल्पेश मुझे सही टाइम लग रही है कि थक से जाऊं और भग से बोल दूं कि बहुत प्यार करता हूं, शादी कर ले, बहुत मजा आएगा। सही बोल रही हूं ना? 4 साल में 8 बच्चे ऐसे हट्टे कट्टे की कबड्डी खेल के मेडल लाए। एक और बात हो, आई लव यू बोलना मिथुन गोविंदा की तरह। मिथुन गोविंदा तो इधर उतारने भाई। यहाँ पे क्यों? इधर बाटली की दुकान है। अच्छा फोन कर लियो। धंधे की बात करके ही फोन करूंगा। और हाँ लव यू बोलने जा रहे ना, मेरा आशीर्वाद लेके जा। एक मिनट, ये प्यार का मंत्र मुझे कासाराम ने सिखाया है। एक मिनट, अंतर मंत्र तंत्र अड़कम दड़कम दोम दड़ाका लेतर फेतर समरू ढाड़ू पूर पूर धत्तू राणू अर्चना आ रही हूं।